आज मैं आपसे एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रही हूँ जिसमें मुझे आपके बहुत सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप कुछ नहीं कर पाएंगे तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा आप सभी, क्योंकि इस टॉपिक में बहुत सारे अवेयरनेस की और उससे भी कहीं ज्यादा इम्पथी की जरूरत है। मैं आपसे बात करने जा रही हूँ डिसेबल कैडेट्स के बारे में। ये वो कैडेट होते हैं जो NDA, IMA और OTA जैसी मिलिट्री अकेडमीज में ट्रेनिंग के दौरान जिनको सीरियस इंजरीज हो जाती है और उनको बाहर निकाल दिया जाता है, मेडिकली बोर्ड आउट कर दिया जाता है, बिना किसी मेडिकल कवर के, बिना किसी कॉम्पनसेशन के और बिना किसी तरह से रिहेबिलिटेट किए हुए। ये सारे बच्चे जो होते हैं मोस्टली मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और जब ऐसा हादसा उनके साथ होता है ना, तो सिर्फ उस कैडेट की, सिर्फ उस बच्चे की जिंदगी नहीं खराब होती है बल्कि उनका पूरा परिवार बिखर जाता है, उनके परिवार के सपने टूट जाते हैं। वो होनहार बच्चे होते हैं। क्या आप किसी माँ बाप के दिल का हाल समझ सकते हैं जिनका जवान लड़का या लड़की परमानेंटली व्हील चेयर बाउंड हो या अस्पताल के किसी बिस्तर पे पड़ा हो कोमा में? कैन यू इमेजिन उस माँ बाप की हालत क्या होती होगी, उस परिवार की हालत क्या होती होगी? और ये अपनी लोन बैटल लड़ रहे हैं, ऐसे जो डिसेबल कैडेट्स के जो परिवार हैं। और ये डिसेबल कैडेट है, ये 1985 से 2020 हो गया, आज तक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बट और बहुत ही सिंपल नॉमिनल डिमांड से इनकी, जैसे ये कहते हैं कि हमें एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए, हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, हमें मेडिकल कवर मिलना चाहिए, मिलिट्री अस्पतालों में हमारे फ्री का जो इलाज है वो ऑथोराइज होना चाहिए, बट इनकी मांग पूरी नहीं होती है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को हम सभी गट्स, ग्लोरी एंड ग्लैमर के लिए जानते हैं, जो लोग वीर गति को प्राप्त करते हैं उनके बारे में भी काफ़ी अवेयरनेस है और हम काफ़ी रिस्पेक्ट भी करते हैं, बट डिसेबल्ड कैडेट्स, अपाहिज जो कैडेट जिनको आप कहेंगे, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का एक ऐसा चेहरा है जिसको देश ने, समाज ने और सेना ने बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया है, इग्नोर कर दिया है। उन्हीं की कहानी मैं आपको बताने वाली हूँ, और उसको सुन के भी ना अगर आपके दिल में तकलीफ नहीं होती है ना, तो आप समझ लीजिएगा कि आपके पास दिल ही नहीं है। बताती हूँ मैं कुछ ऐसे कैडेट्स के बारे में आपको। चेतन चौधरी, सन ऑफ अ सोल्जर, ही जॉइंड OTA इन 2015, अकेडमिकली ब्रिलियंट चाइल्ड चेतन चौधरी, बचपन से थ्रू आउट 90%, और उनका एक ही सपना था कि वो अपने फादर से भी अच्छे सोल्जर बने। उन्होंने इंडियन आर्मी में भी TS एंट्री के थ्रू दाखिला लिया। अब TS एंट्री इंडियन आर्मी की वन ऑफ द टफेस्ट एंट्रीज में से एक होती है। उसका जो कट ऑफ ही होता है वो PCM में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में, 80-90% होता है, और हजारों बच्चों में से सिर्फ 90 बच्चे चूज किए जाते हैं TS एंट्री के लिए इंडियन आर्मी में। मतलब कि ये वो बच्चे होते हैं जो अगर सिविल में इंजीनियरिंग ऑप्ट करें PCM के ये बच्चे, तो इनको IITs खड़गपुर और कानपुर जैसे IITs में बहुत ईजिली एडमिशन मिल जाएगा, और अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे और कुछ सालों में करोड़ों डॉलर कमाएंगे। पर क्योंकि ये बच्चे, इनको देश सेवा का जुनून था, इसलिए ये इंडियन आर्मी ऑप्ट करते हैं। चेतन चौधरी भी इनमें से एक थे, और एक बॉक्सिंग टूर्नामेंट के दौरान इनका ब्रेन डिसलोकेट हो गया, क्वाड्रोप्लेजिक हो गया, इनके चारों लिम्स ने काम करना बंद कर दिया। 2020 हो गया, आज 5 साल हो गए, और आज की डेट में उनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है, अगर वो अपनी उंगलियां थोड़ी सी हिला लें और थोड़ा सा चल पाए तो। कार्तिक शर्मा, टॉपर ऑफ अ सैनिक स्कूल, एंड ही वाज सिलेक्टेड फॉर NDA इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट इन 2015। बहुत ही रिगरस फिजिकल ट्रेनिंग के दौरान एक स्पाइन इंजरी हो गई इनको, इन्होंने ही लॉस्ट कंट्रोल ओवर बाउल्स एंड ब्लैडर में कोई कंट्रोल नहीं रह गया, जीरो पावर हैंड्स एंड लिम्स में, ही वाज ऑन वेंटिलेटर फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। इनके फादर पता नहीं कि कहाँ कहाँ भटके, किस अस्पताल में, कैसे कैसे उन्होंने 2-2 साल तक सब अपनी जॉब छोड़ के इनके साथ रहे हैं। वो परमानेंटली व्हील चेयर बाउंड है, और आज की डेट में ही रिक्वायर्स 3 पीपल टू लुक आफ्टर हिम। अनुन्या चतुर्वेदी, NCC कैडेट, शी जॉइंड OTA इन 2009, 2010 शी गॉट इंजर्ड, लॉन्ग हॉस्पिटलाइजेशन, 3 surgeries ऑफ अ नेक, जो फिजिकल एंड मेंटल ट्रॉमा इस लड़की ने झेला और इसके परिवार ने, उसको शब्दों में नहीं बयान कर सकते हैं, बट आई स्टिल से दैट शी इज वन ऑफ द लकी फ्यू, एक्चुअली वन ऑफ द रेयर जो लकीज हैं, क्योंकि शी हैज एन एम्प्लॉयमेंट, वो काम कर सकती हैं आज के डेट में। शी टीचेज इन नवोदय विद्यालय जोधपुर। शुभम गुप्ता, 2014 में व्हेन ही जॉइंड NDA ही वाज ओनली 19 years old, एंड ही हैज दिस ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर एंड सर्व इन इंडियन आर्मी। 2 साल के बाद ही हैड अ स्पाइन इंजरी, स्विमिंग पूल में एक ट्रेनिंग के दौरान उनका जो सर है वो फ्लोर से टकराया और उसकी स्पाइन को जर्क लग गया, क्वाड्रोप्लेजिक हो गए, परमानेंटली व्हीलचेयर बाउंड हो गए। इनकी भी एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट, बहुत ही सैड स्टोरी है। इनका जो मंथली खर्चा है 40,000 रुपीज़ है, जो कि वो खुद, उनकी फैमिली उठाती है,
शुभम गुप्ता की। और ये सिर्फ चार नाम नहीं है, ऐसे 1985 का डेटा उठाएंगे ना, 1985 से 2020 तक का, तो ऐसे 400 डिसेबल्ड कैडेट्स आपको मिलेंगे, ऐसे 400 फैमिलीज मिलेंगी जो टूट चुकी हैं, जिनको सिस्टम सपोर्ट नहीं करता, देश नहीं सपोर्ट करता। भारत में एक कानून है जो कहता है कि जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या जो सरकार के लिए काम करते हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, अगर वो मेडिकली अनफिट कर दिए जाते हैं ट्रेनिंग या सर्विस के दौरान, तो भी उनको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, उनको सैलरी मिलेगी, उनको पेंशन मिलेंगे, लाइफ लॉन्ग बेनिफिट मिलेंगे, और उनके स्टैचर के हिसाब से, चाहे वो एक प्यून हो या IAS ऑफिसर हो, उनको रिहैबिलिटेट कराया जाएगा। पर ये रूल जो है ना, वो इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ऑफिसर कैडेट्स पे अप्लाई नहीं होता है। रिक्रूट्स पे भी होता है, जवानों पे भी होता है, बट ऑफिसर कैडेट्स पे नहीं होता। और क्यों नहीं होता है, इसका कोई रीजन नहीं। इनफैक्ट इन बच्चों को जब थ्रो आउट किया जाता है, इनके किसी तरह का रिहैबिलिटेशन का कोई प्रोग्राम भी नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्योंकि आप देखो कि ठीक है, फौज में एक्टिव ड्यूटी पे बहुत ही रिगरस प्रोसेस से इन बच्चों को लिया जाता है ना, और आप बस उनको थ्रो आउट कर देते हो। आप एक्टिव ड्यूटी में नहीं रख के, अगर दूसरी कई ऐसी जॉब्स होती हैं जिनमें इनको आराम से इनको रिहैबिलिटेट कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये ब्रिलियंट बच्चे हैं जिनको रिगरस प्रोसेस के साथ चुना गया है। जैसे कि एजुकेशन कोर है, कंप्यूटर्स के काम है, या कितने सारे तो सिविलियंस रिक्रूट करती है इंडियन आर्मी, आप वहाँ पे इन कैडेट्स को रख सकते हो, बट नहीं करते हैं। और इसका कारण, मेरी बात हुई इसी सिलसिले में अंकुर चतुर्वेदी नाम के एक शख्स से, जो मुझे लगता है कि इंडिया में एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो डिसेबल कैडेट्स के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। कोई NGO नहीं है, कोई किसी दूसरे इंसान के बारे में तो मैंने नहीं सुना कि जो इन्होंने डिसेबल कैडेट्स के बारे में बातें करते हैं। इन्होंने कई डिसेबल कैडेट्स को सुसाइडल टेंडेंसी से बाहर निकाला है, कई फाइलें पिटीशंस डाली हैं, आर्मी हेडक्वार्टर डिफेंस मिनिस्ट्री के कई चक्कर लगाए हैं, क्योंकि खैर वो खुद भी एक डिसेबल कैडेट रहे हैं, इस वजह से वो उनका दर्द समझते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आर्मी हेडक्वार्टर बहुत कोशिश करती रही है डिसेबल कैडेट्स का हक दिलाने के लिए, और फोर्थ पे कमीशन से कर रही है आर्मी हेडक्वार्टर, फाइलों पे फाइलें निकाली हैं कि वह डिसेबल कैडेट्स को उनका हक मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन, एक्स सर्विसमैन वगैरह वगैरह, और डिफेंस मिनिस्ट्री भी सपोर्ट करती है। ये फाइलें पता है कहाँ रुकती हैं, ब्यूरोक्रेटिक चैनल पे, जो पे कमीशन है, कभी पे कमीशन पर अटक जाती है, कभी एक सर्विसमैन का वेलफेयर बोर्ड है वहाँ पे अटक जाती हैं, या अलग अलग लेवल पे जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल, जो इंडिया का एक ब्यूरोक्रेसी का एक सिस्टम है ना, वहाँ अटक जाती है। रीजंस पता है ये ब्यूरोक्रेटिक पीपल क्या देते हैं, ये कहते हैं कि इन कैडेट्स को इनका हक इसलिए नहीं दिया जा सकता है क्योंकि ये एक्टिव ड्यूटी पे नहीं थे। तो आप बताइए कि ट्रेनिंग के दौरान अगर एक कैडेट ड्यूटी पे नहीं होता, तो क्या वो एडवेंचर स्पोर्ट पे होता है? क्या वो बॉक्सिंग या स्विमिंग कर रहा होता है एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए? आपके अंदर थोड़ी सी भी इम्पथी नहीं है। और ये मांग इसलिए भी नहीं पूरे हो पा रहे क्योंकि इनका नंबर बहुत कम है, सिर्फ 400 नंबर है 85 से अभी तक, आप अगर डेटा उठाएंगे तो ये कोई प्रेशर नहीं बना पाते हैं। और इसमें देखिए कि अगर कुछ कॉम्पनसेशन इनको दिया भी जाएगा ना, तो रेवेन्यू को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट क्योंकि इन जो डिसेबल कैडेट, ये अपाहिज जो कैडेट हैं, ना उनकी कोई यूनियन है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ना कोई चैनल है, ये बेचारे बेडरूम से बाथरूम तक तो जा नहीं पाते, ये क्या करेंगे? तो क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम इनकी आवाज़ बने, हम इनके लिए आवाज़ उठाएं? प्लीज़ आप सभी #डिसेबल कैडेट यूज़ करिए और बोलिए कि डिसेबल कैडेट्स को एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अथॉरिटीज़ को टैग करिए, इन डिसेबल कैडेट्स के लिए आज आप लड़िए। जय हिंद।